लेने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है। शासकीय स्कूलों में बच्चों को प्रवेश के साथ तमाम सुविधाएं निःशुल्क दी जा रही हैं, लेकिन कोरबा के शासकीय मिडिल स्कूल के शिक्षकों को शासन की पहल रास ही नहीं आ रही। शिक्षकों का स्कूल में अपना ही कानून देखने को मिल रहा है। नई ड्रेस वितरण के नाम पर अभिभावकों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। सरकारी स्कूलों में प्रति गणवेश को 350 रुपए में बेचा जा रहा है, जिसके चलते परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर मामले में आला अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। तो मैंने खरीदने के लिए मैंने ड्रेस, हम लोग नया ड्रेस ले रहे हैं ना बच्चे लोग का, तो जो जो चाह रहे हैं लोग, मैंने सर के द्वारा खरीदने के लिए। शासन द्वारा नहीं आया ड्रेस? आया है। फिर आपको हम लोग नया ड्रेस से किस टाइप का नया ड्रेस? पहले यहाँ पर चल रहा था मेरून कलर का, तो उसी को फिर चला रहे हैं। ये हम लोग कहने की हम उच्च अधिकारियों लोग ने मीटिंग हम लोग बताए है ना, यहाँ हमारे प्रिंसिपल मैडम है मुरकुमा हाई स्कूल में नोडल प्राचार्य है ना, मीटिंग में उन्होंने बताया कि अगर आप ड्रेस चेंज करना चाहते हैं आप लोग तो कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग संसद मीटिंग के और ये रखेंगे, ये तय हुआ है ना भाई, उसके आधार पर उसको चेंज।